तो आज हम जानेंगे iPhone SE 2020 क्या ये वर्थ बाइंग है 2021 में, और अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 23,000 to 25,000 पे आता है, और मैंने इसे ऑलमोस्ट एक साल तक यूज़ किया है। देखते हैं इसमें क्या इसमें ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट जो एडवांटेजेस है iPhone SE का जो है कि इसका कैमरा, भले ये 12 मेगापिक्सल का एक सिंगल शूटर है, पर लेकिन ये ऑलमोस्ट सब फ्लैगशिप से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ओप्पो वीवो जाएंगे तो आपका स्किन टोन एकदम वाइट हो जाएगा, जैसे कि किसी ने पाउडर लगा दिया है आपको और आप एकदम रंगीनियाँ मचा रहे हैं। पर इसमें वो क्या है कि वो स्किन कलर एकदम नेचुरल रखता है और आपके लिए अच्छा है। और इसका एक और बेनिफिट है कि इसमें ब्लॉटवेयर और ये सब नहीं है, बहुत ज़्यादा हैंग वैंग नहीं करता है, एस यू नो ये आईफोन ही है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे जो लगा है इसका स्क्रीन साइज, जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड से आते हैं बहुत बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं 6 इंच 6.5 इंच, तो थोड़ा और लगता है, पर लेकिन गेमिंग वेमिंग के लिए एकदम बढ़िया है ये फ़ोन। और अगर आपको अगर खरीद और एक डिसएडवांटेज के बैटरी जैसे ये छोटा सा है तो छोटा सा बैटरी इसमें, जो कि मतलब आपको ऑलमोस्ट हाँ लाइक वन डे वन हाँ लेस देन वन डे आपको ये बैकअप देगा, क्योंकि इतना चल नहीं पाता, आपको हमेशा चार्जर ढूंढना पड़े या फिर आपको अगर पावर बैंक कैरी कर सकते हैं तो ये ऐसा ठीक है। और जो इसका सबसे बेस्ट फीचर है, जो कि आप इसमें इनेबल करेंगे, डबल टैप करेंगे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको एक्सेसिबिलिटी में सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाके आप देख सकते हैं उसको। ऑलमोस्ट ये कितना टाइम लगेगा बैटरी चार्ज करने में, ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसे फुल चार्ज होने में, क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, पर आपको फास्ट चार्जिंग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा बाहर से, यू नो एप्पल है तो पैसा आपको देना पड़ेगा, वो बॉक्स में तो नहीं देने वाला। तो अभी जानते हैं कि अभी ये इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत आ गए हैं, जैसे कि अभी तो रियलमी X7 है, ऑलमोस्ट सेम इससे कम प्राइस में ही आपको 5G मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में अभी तक 5G नहीं आया है। और अगर आप अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं आईफोन तो आप ये मॉडल ले सकते हैं, जो कि मतलब एकदम रीजनेबल प्राइस में आप आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। और ऐसे आप अगर 5G तो आपको पता ही, ऑलमोस्ट इंडिया में कुछ भी चीज़ नया चीज़ आने में कम से कम 2-3 साल तो भी लगेंगे, क्योंकि प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना नहीं है। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम अगर आपको ट्राई करना है। और अभी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसको लेने के बाद, इट्स ये बहुत ही मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस था, छोटा सा है, कहीं भी पॉकेट में आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कहाँ है, हल्का सा है और उतना भी मतलब वाटरप्रूफ भी है, कभी कभी मैं पानी में भी डाल देता हूँ इसको तो उतना कुछ होता नहीं है, नहाने ही चला जाता हूँ, रख दिया गाना सुन रहा हूँ तो इट्स ओके फाइन, थोड़ा ठीक ही है। अब आपके ऊपर है कि आपको ये लेना है या नहीं लेना, अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्राई करना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप फर्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन बैटरी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो आपको एकदम फेस करना पड़ेगा, और आपको पावर बैंक लेके ही चलना पड़ेगा, बाकी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कैमरा इसका बहुत अच्छा है, अगर कोई भी आप इस मिड रेंज या एंड्रॉयड फ्लैगशिप से देखेंगे तो इसका कैमरा ऑलमोस्ट बेटर है एवरीथिंग, वीडियो क्वालिटी में तो ऑलमोस्ट मैं हमेशा इसको कैमरा के लिए ही यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और